ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो हम सभी अब समय का पूरा फायदा उठाएंगे, उठाएंगे अपने को श्रेष्ठ योगी बनाना है। मैं वो बात कह रहा था, अभी अभी मुरली में आया, साकार मुरली में आया है। साकार मुरलियों में कितनी गहरी बात आती है, जो बहुत पवित्र बन जाएंगे उनके ही साक्षात्कार होंगे। राज बताता है बाबा, गुह्य गुह्य राज बताता है। तो बनना है या नहीं? संपूर्ण पवित्रता का मार्ग साधनाओं का मार्ग है, वो एक दिन में नहीं आती, वो समय लेगी। लेकिन बनेंगे कौन? बोलो, हम नहीं बनेंगे तो? जो देवता रहे 2500 साल, उनके अंदर ही तो देवत्व है, उनके अंदर ही तो प्योरिटी है, है वो बीज, स्ट्रोंग बीज अंदर पड़े हुए हैं, उसको अंकुरित करना है। स्ट्रोंग बीज पड़े हुए हैं, सभी विचार कर लें, हमारे अंदर शक्तियाँ भी बहुत हैं। मैं तो कहता ही था, कल मैं एक सन्यासी के मुख से सुन के मुझे लगा कि देखो, बातें सब लिखी हैं लेकिन लोग उनको अपना नहीं पाए। वो कह रहा था, शक्तियाँ तो सबके अंदर बहुत हैं, कोई जगाने वाला गुरु चाहिए। हमारे अंदर तो वैसे ही बहुत शक्तियाँ हैं, और हमें जगाने वाला परम सद्गुरु भी सबसे अच्छा मिल गया है, जो रोज जगा देता है। तो जगाएं अपनी शक्तियों को, संकल्प कर लें, मैं माया से अधिक शक्तिशाली हूं। क्या विचार है, माया शक्तिशाली या मैं? पीछे वाले, हम शक्तिशाली हैं, माया शक्तिशाली नहीं है। माया कैसे शक्तिशाली बन जाती है? हंसी की बात बता रहा हूँ। बाबा ने अभी पीछे क्या कहा था, तुम योग में भोजन नहीं खाते, तुम्हारा भोजन माया खाती है, पावरफुल हो जाती है, लड़ती है फिर। ये तो बाबा सिखाता है, ये लैंग्वेज है बाबा की, हमें सिखाता है कि योग युक्त होकर भोजन खाओ।